है ना, एरिना के लिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो गाइस आज हम ना उठने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं। पापा थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो गए। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गए। तो गाइस आज बात ये है कि बहुत दिनों के बाद, लिटरली बहुत ज्यादा दिनों के बाद ना आज फाइनली धूप निकली है। तो मैं सोच रहा था गौरी को वॉक करवा लूँ थोड़ी सी, कॉज इतने दिनों से मैं करवा नहीं रहा था, कॉज बाहर मौसम इतना अच्छा था नहीं। हाँ। लेकिन हाँ आज हल्की हल्की धूप निकली हुई है, तो मजा आएगा धूप में बैठने का। हाँ, इट्स बेटर देन नथिंग। तो लेट्स गो आउट, गौरी को थोड़ी सी वॉक वगैरह करवाते हैं, कॉज अच्छा होता है वॉक। आज खाना भी ना थोड़ा बाहर धूप में बैठ के खाएंगे। आउटिंग करेगी आज, लंच करेंगे, पिकनिक मनाएंगे। तो चलो यार गौरी को बाहर लेके चलते हैं जल्दी से। बाहर इतनी सारी काइट उड़ रही है ना, मुझे याद आ रहा है मेरे बचपन में। मेरा भाई ना छोटा था तो वो काइट उड़ाता था, और जब उसकी काइट कट जाती थी वो मुझे भगाता था, भाग भाग काइट लेके आ। और हाँ जी, ओ माय गॉड बेबी, पता है अब भी काइट की बात कर रही थी। ये देखो ऋषि कितनी बड़ी काइट लेके आई, कहाँ से मिली आपको? छत पे पड़ी हुई थी। मेरा बड़ा मन है काइट उड़ाने का, अपने पास डोर नहीं है। हाँ, बच्चों को दे देंगे वो उड़ा लेंगे। तुम ठीक हो जाओ पहले फिर उड़ा। और पता है मेरे को आती है चलानी, उड़ानी चलानी आती है, उड़ानी 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 आती है मेरे को। सुबह एक्चुअली नहीं, यहाँ पे भी दो पड़ी हुई थी, अब नहीं है। चलो ये देखो यहाँ पे भी उड़ रही है, पता नहीं इसमें दिख रही है कि नहीं। नहीं दिखेगी, क्लाउडी है थोड़ा। हाँ, फोगी है थोड़ा। ये ऊपर भी, ये देखो ऋषि गन्ने खा रहे हैं। ये कल भी लगे हुए थे पर कल मैं अंदर थी, अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास मेरा फोन था और मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। कितने मज़े से लगे हुए हैं गन्ने खाने को। आवाज़ लगाऊं जरा, बेबी नहीं सुन रही, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या गन्ने खा रहे हो? खाओगे? लो थोड़ा सा, मैं भी ट्राई करती हूँ। आप कल भी खा रहे थे ना, आप पैसे निकाल के देता हूँ, ये लो। खाया जाएगा मुझसे? थोड़ा सा, ज़्यादा मत खाना ना। बुढ़िया की तरह लग रही है, जूसी है बहुत। बचपन में ना मैंने बहुत गन्ने खाए हैं। नहीं, गन्नों का मजा बहुत होता है। हाँ। हम लोग तो नदियों में फेंक देते थे गन्ने, गांव में जाके ना तो नदी में फेंक देना, वो थोड़ी देर में बहुत ठंडे हो जाते हैं, फिर मजा आता था। ये ठंडा नहीं है। सर्दियों में और कितनी ठंड चाहिए आपको, और कितना ठंडा चाहिए? बहुत ठंडा। वाह वाह क्या स्पीड है, कंपटीशन लगाया क्या? हाँ, मेरे लिए छील के दो मुझे और अच्छे से। आप एक साथ दो गठिया छील सकते हो? पहले छील सकते थे, अब नहीं। क्यों, आप दांत कमजोर हो गए हैं? बुड्ढे हो गए। हाँ। अगर आज ऋषि को गन्ने का कमाद मिल जाता ना, वहाँ बैठ के भी ऐसे लगे होते। कमाद मिल जाता, कमाद पंजाबी कमाद कहते हैं यार, कमाद नहीं बोलते, कमाद पता नहीं, मैनू नहीं पता। Do tell me guys, क्या बोलते हैं? भाई काइट्स को उड़ाने का मजा एक तरफ, और ऐसे पेड़ में अटक जाने का दर्द एक तरफ। भाई कितनी मेहनत कर रहा है वो बंदा, कब से लगा हुआ है काइट खींचने, बट नहीं कोई आउटकम नहीं। और ये देखो हवाओं में उड़ रही है, मजा आ रहा है। चलो गौरी जल्दी से ठीक होती है फिर हम भी उड़ाते हैं, और अब चलते हैं लंच करने। A few moments later. ये हमारा चाय टाइम है। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले चाय बना के लाया था गौरी के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, जब मुझे कोविड हुआ था उस टाइम पे हम लोग देख रहे थे बिग बैंग थ्योरी। तो अभी हमने थोड़े टाइम पहले स्टार्ट किया था, जब पिछले साल लाइक दिसंबर में स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स देखना दोबारा से एक बार,
बट अनफॉर्चुनेटली अब गोरी बीमार हो गई, क्या कर सकते हैं। अब हम जब भी फ्री टाइम हमें मिलता है, मतलब जब भी हम इकट्ठे बैठते हैं, हमारा सिर्फ ये ऑन हो जाता है साथ में, इधर वी आर ईटिंग समथिंग और वी आर ड्रिंकिंग समथिंग, यही चलता है हमारा। लेकिन यार एक बात है, ये सिटकॉम दोनों के दोनों बहुत बहुत अमेजिंग है। आप में से भी काफी ने ये सारे देखे होंगे, अगर देखे हैं तो यह कमेंट करके बताओ कि कौन सा आपको अच्छा लगता है। मैं दोनों में बहुत ज्यादा किसके फैन हूं, बिग बैंग थ्योरी के या फ्रेंड्स के? सही बात है, दोनों का अपना ही और है। Exactly. हाँ, तो चाय कैसी बनी है गोरी आज? चाय अभी तो मैं बिस्किट खा रही हूँ पहले। हाँ, क्योंकि ये गोरी की है, ये मेरी है, हम दोनों का अलग अलग टेस्ट है थोड़ा। वाओ, मेरा परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट टी, पूरा जिंजर अच्छे से डाल के अच्छा सा फ्लेवर। हाँ, मैंने काफी बड़ा जिंजर डाला था, बहुत अच्छा फ्लेवर है, मैं उसे घोलता रहता हूँ घोलता रहता हूँ। बहुत एनर्जेटिक टी, मुझे नींद से चढ़ी हुई थी, सारी उठ जाएगी अभी। टपरी वाली चाय बनाता हूँ भाई मैं, टपरी वाली, ऐसे करछी से ना ऐसे घुमा घुमा के। आई नेवर सॉ यू, आओ कभी किचन में, किचन में आना ही नहीं है ना। आओ कभी हवेली में, मैं देखती हूँ चलने का, ट्राई करती हूँ, पहुंचती हूँ वहां तक। चलो नेक्स्ट टाइम पहुंच जाऊंगी। हाँ, 2 hours later। तो गाइस अब अपना डिनर भी हो गया, अभी टाइम आया है गेम खेलने का। मेरे को एक मंथ हो गया लग, पिछले साल खेला था, तो अभी मैं सबसे पहले आरपी परचेज करूंगा, देन वी आर गोना प्ले। और गौरी को तो नियरली साल ही हो चुका है अब खेले हुए, है ना? मैं तो सिर्फ मजे के लिए खेलूंगी आज, आप हाँ। अपने मिशन करना, मैं तो फन करूंगी पूरा। हाँ, मैं भी फन के लिए खेलता हूँ अभी, लेकिन चलो देखते हैं अब कैसे हैं। गौरी कितनी अच्छी बची है, लाइक पहले तो अच्छा खेलती थी, मुझे बचा लेती थी कई मौकों पे। आई डोंट थिंक सो, अभी बचा। अब देख लेते हैं गौरी का हाल कैसा है। आई एम अ परफेक्ट नूब नाउ। Everyone is a noob. Yeah. आपका पता नहीं, हम तो दोनों हैं नूब बड़े। पहले रीना खेलते हैं, है ना? रीना के लिए डेथ मैच। Watch out. वे नूब बड़े हो, चार से दो बंदे तो मैंने मारे। बहुत चल रहा था, मिटा दिए हम। किसी के सामने जाकर मर जा रही हूँ क्योंकि तुम नूबड़े हो। इसके तो बॉम्ब क्यों चला रहे हैं? Getting nice shot, reloading. Dead. हाँ, यहाँ पे मार्केट लगी है कंज्यूमर की। आया आया, ये गया। मैं तो बोर्ड बन के ऐसे खड़ी हो गया कि ना एक बॉल भी तक नहीं चलाई उनको। You are about to win, but how, bro? It's so difficult, bro. Because you are playing with a pro player, and that's not me. गोरी कम बची, पिस्तौल से मारेंगे। भाई ओ भाई ओ भाई, विक्ट्री भाई, मैंने 15 बंदे मारे। वो मैं ही हूँ। गेस बेबी, गेस करो मैंने कितने मारे। पहले गेस, पहले गेस दो। वो दो ही मारे। दो या तीन बंदे तो मैंने नेट से मार दिए, तो भाई अपना टीडीएम तो हो गया सक्सेसफुल। अच्छा खेला मैं, नहीं बहुत अच्छा खेला, दो लोगों को मारा पुन्ने। तो गाइस गोरी तो सोगी, उसने एक आर टीडीएम ही खेला, ज्यादा खेली नहीं, कहती कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा, और मेडिसिन का भी आई थिंक थोड़ा बहुत नशा था, तो वो जल्दी सोगी। मैंने नो डाउट एक घंटा खेला गेम अच्छे से, फ्रेंड्स को बुला लिया था, अपनी स्क्वाड आ गई थी, तो थोड़ी देर खेला, अच्छा लगा। एंड डिनर वगैरह तो अपना सॉर्टेड था ऑलरेडी, तो अब मेरा भी सोने का टाइम हो गया, थोड़ा बहुत काम करूंगा उसके बाद मैं सो जाऊंगा। एंड आई होप गाइस कि आपको आज की वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, अगर लगा तो यार लाइक कर देना इस वीडियो को, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड टेक केयर।